ये है अपना कॉलेज काउंसलिंग लाउंज, इसमें हो रहा है काउंसलिंग। ये सारा रहा फोटोकॉपीज, और ये है ब्लॉक टू एडमिशन सेल, तो इसमें कराना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज है 7 तारीख और आज से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है 7 से 10 तक। तो हम यहाँ वापस से हॉस्टल में आ गए, तो आज 7 तारीख, तो चलिए पहले चलते हैं जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो भी काम है, सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, मतलब जो भी था, आधार कार्ड, ये सब है मेरे पास, बट एक चीज नहीं है, एड्रेस प्रूफ है यहाँ का। तो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हॉस्टल का, तो ऑनलाइन ही आ जाता है, बट जा रहे हैं अभी नीचे से ऑफिस से स्लिप ले लेंगे हॉस्टल का, तो मेरा एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। बाकी सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास। अभी तक आई क्लाउड ये सब पे लॉग इन नहीं किए हैं, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो होना था वो सब नहीं किए हैं, तो देखते हैं आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। नहीं होगा तो आके जल्दी से कर लेंगे, फिर चले जाएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं यहाँ से, और लखनऊ गए थे तो वहां से आ गए हैं, और 2-3 ही ब्लॉग है वहां पे, ज्यादा ब्लॉग शूट नहीं हो पाया क्योंकि मेरा गला खराब हो गया था, तो कुछ शूट नहीं कर पाए थे। तो खैर छोड़िए, सब बाद में बात करेंगे, पहले चलते हैं। आज है हमारा 7 तारीख, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। मेरा तो एक बार में कोई काम होता ही नहीं, कुछ ना कुछ परेशानी आता है, तो देखते हैं आज कौन सा परेशानी आता है, फिर ऐसे ही हो जाता है। तो चलिए सीधा मिलते हैं कॉलेज के गेट पे, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चिल मारो, टेंशन क्यों लेते हो, चला जाओ। देखो यहाँ पे पास बनता है, पास बनवाया हो कभी? ये है अपना कॉलेज, यहाँ पे पास बनता है, यहाँ पे। चलो पहले पास बनवाते फिर चलेंगे, विजिटर गेट पास। अबे हम लोग विजिटर थोड़े ना है भाई, कैसे लग रहे हैं हम? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पैसे नहीं आने दिए ना। ये देखो बढ़िया चीज़ है, शारदा यूनिवर्सिटी। ब्लॉक 2 कौन सा है पता है तुमको? ये है ब्लॉक 2 शायद, ये अरे 3 है यार, 2 उधर है लेफ्ट साइड में। पहले चलेंगे एडमिशन सेल के रिसेप्शन पे, फिर ब्लॉक 2 में एडमिशन सेल, और अभी हम लोग का काम है फोटोकॉपी का, तो चलेंगे वहाँ से ऐसे। चलो पहले आप फोटोकॉपी करा लेते हैं, फिर चलेंगे यहाँ पे रिसेप्शन पे, पता कर लेंगे। और ब्लॉक 2 यही है ना, एडमिशन सेल ब्लॉक 2, इसी में काम है हम लोग को। हम सोच रहे थे ब्लॉक 2 ये है, बट इसी में काम है। चलो आप फोटोकॉपी करा लेते हैं, वहाँ पे है। ये सारा रहा फोटोकॉपीज, और ये है ब्लॉक 2 एडमिशन सेल, तो इसमें कराना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलते हैं रिसेप्शन पे, पहले बात करेंगे फिर देखेंगे। ये रहा एडमिशन सेल, अरे भीड़ तो लगा हुआ है यहाँ पे, सब आए हुए हैं। पूछ लेते रिसेप्शन पे, फी भी नीचे होता है। भैया देखो, फॉरेनर्स लाउंज अलग है और ये अपना काउंसलिंग लाउंज है, समझा? इसमें अपना होगा काउंसलिंग लाउंज में। हाँ तो गाइस, ये है काउंसलिंग लाउंज, इसमें हो रहा है काउंसलिंग। ज़्यादा कुछ नहीं, एक फॉर्म भरना है और फिर मेरा डॉक्यूमेंट इधर कुछ चेक करने गए हैं एडमिशन सेल, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ तो गाइस, सारा कुछ हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो जो मेल पे लिखा हुआ था वही हुआ है, और कुछ एक्स्ट्रा लगा नहीं। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं है पेरेंट्स का तो भी चल जाएगा, ऐसे मतलब ये लोग ढूंढ रहे थे बट बोल दोगे कि बाद में दे देंगे तो चल जाएगा। सारा कुछ हो गया बट एक फोटोकॉपी नहीं था मेरे पास उसका, तो उसको वो देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सिंपल आना है आपको, एक फॉर्म भरना है, नाम वाम लिखा देना है, फिर वो आगे जाना है, एक फॉर्म मिलेगा उसको भर देना है, सिर्फ 10 किस बोर्ड में था 12 किस बोर्ड में था वो भरना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है बस। वहीं अभी देखते हैं, इसका फोटोकॉपी करा के देते हैं, उसके बाद क्या क्या करना है बताते हैं। हो गया? हाँ बस यहाँ पे सारा काम करा लिए, अभी भेजा है मेरे को ऑडिटोरियम जाने को। भाई देवे, ये है हमारा विवेक भाई, हमारे सीनियर। और ये चल मेरे सारे ग्रुप वाले हैं, इनकी भी ब्लॉगिंग करते हैं। हेलो भैया जी, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। अच्छा, ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है? इधर तो फिर एक्स कैसे हुए? कौन है? चॉकलेटी बॉय और हेलो भैया। नहीं एक्चुअली मेरे को बहुत लोग मिलने हैं, बहुत अच्छा लगा, जो मतलब जो फ्रेशर्स आ रहे हैं ना, ब्लॉगिंग करता है, अपना चैनल है, मैंने कहा कि आज ही। यही ब्लॉक 3 बाहर से देखो ना, ब्लॉक 3 यही है ऊपर चला। तो गाइस सारा हो गया है, बस ये बोला है ब्लॉक 3 रूम नंबर 208। इधर से जाना अलाउड है? अबे चलो, आप इधर से नहीं है कोई यार। एक्सक्यूज मी भैया, रूम 208 में जाना है, कैसे जाए?
सेकंड फ्लोर पे इस साइड पड़ेगा। तो इसका सीढ़ी कहाँ से मिलेगा, इसमें दुकान कौन रहा है? जी कोई बात नहीं, यहाँ पे नीचे से चलते हैं। ठीक है, थैंक यू भैया। इसमें जाना है, देख लो यहाँ से कितना बढ़िया व्यू है। मस्त है ना। तो चलो अब इसी, हम लोग का यही बिल्डिंग पता है, यही ब्लॉक जो है ना हम लोग का क्लास है। मस्त लग रहा है। कौन सा रूम है, कितने से ये? 2 भैया 207 नहीं है। अच्छा ठीक। क्या मस्त लग रहा है यार, नीचे साइड तो आए हैं बट इसमें फर्स्ट फ्लोर। अच्छा पहले काम करा लेते, वो भी सेम वही है यार। ये है, हम लोग क्लासेस में गए, क्लास नहीं पता नहीं क्या है, गए सब ताक रहा था। उसमें भी इसमें भी बैठे हैं। किसमें चले गए? हाँ तो गाइज़ ये है 208 रूम नंबर, इसमें वहाँ पे होगा सारा डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग। तो जाके एक फॉर्म लेना है, वो फॉर्म लेते हैं, फिर सब बैठा है स्कैन कराने के लिए, स्कैन करते हैं। 207 में गए थे तो भगा दिया गया मेरे को, तो देखते हैं फॉर्म लेके क्या क्या होता है, फिर लास्ट में आप लोग को बताएंगे। तो गाइज़ देख लो, जैसे यहाँ पर 30 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मेरा 30 नंबर है और वहाँ पर चल रहा है, तो अनाउंस करेंगे 30 रूम नंबर जो भी है 30 बोलेंगे, तो हमको जाना है वहाँ पे और सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे? देख लो लिस्ट में। अरे 10-12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन ये सब का है ही नहीं, एज प्रूफ है मेरे पास, आधार कार्ड है, पेरेंट्स एड्रेस प्रूफ नहीं है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, करेक्टर मेरा बहुत बढ़िया है वैसे, इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट तो हमारा होता नहीं है क्योंकि हम जनरल में आते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल गार्जियन ये सब तो इस फॉर्म में भरे ही हैं। तो चलते हैं देखते हैं वहाँ पे मेरा क्या होता है। ऐसे यहाँ पे वेरीफाइड लिख दिया है, ये वेरीफाई हो गया है। आधा घंटा से बैठे हैं, अभी कोई बुलावा वलावा नहीं आया है, देखते हैं कब बुलाते हैं ये लोग। अभी यहाँ से जो भी वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद फिर जाना है रूम नंबर 107 में, ऐसा सुनने में आया। वो सामने वाला भाई था ना, वो अभी अपने चैनल का फैमिली है, वो मिला कि भाई यार बहुत लोग मिले यार, सच बता रहे बहुत मज़ा आया, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे जब बाहर निकलेंगे। यार जान ले लेंगे बच्चे की। यार मेरे पास फ्री रिसिप्ट नहीं था, फ्री रिसिप्ट कैसे कैसे दौड़ के लाए, 4:30 टाइम ओवर हो गया है, फिर भी ये लोग दौड़ाए जा रहे हैं। अगर इस बार कुछ बोल दिए कि ये लाओ वो लेके आओ ना, तो पक्का हम बोल देंगे सर हमसे नहीं हो पाएगा एडमिशन, हम कहीं और ले लेंगे, क्योंकि किसी को दौड़ाने का भी सीमा होता है यार। फ्री रिसिप्ट नहीं था वो लिखे हैं, तो ठीक है वो मेरा गलती है, उस पर अब स्टैंप लगा के आओ, अप्रूव लगा के आओ, वो बोल रहा है जाओ हो जाएगा, फिर बोल रहा है वो फर्स्ट पे जाओ सेकंड पे जाओ। तो गाइस फाइनली तो अभी आ गए अपने रूम में, सारा काम हो गया, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी था वो सारा कुछ करा लिए। तो अभी बच गया 5, हमको कुछ ज़्यादा ही दौड़ना पड़ा, मेरे पास फ्री रिसिप्ट नहीं था इसीलिए। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और पेरेंट्स के साथ आना है कि नहीं आना है और क्या क्या करना है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना। हाँ तो बता देते हैं, आपको आधार कार्ड लगना जरूरी है, अगर आप जनरल नहीं हो मतलब जनरल कैटेगरी में नहीं आते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। हम जनरल में आते हैं मतलब राजपूत, मतलब जो लोग जनरल में आते हैं जनरल कैटेगरी में, मेरा ना ही कास्ट सर्टिफिकेट होता है और मेरा पेरेंट्स का वो भी नहीं चेक किया गया, इनकम सर्टिफिकेट वो हो गया, और आपका पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा तो चलेगा, और क्या होना जरूरी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और मेरे को पता नहीं था, लास्ट में उन्होंने मेरे से माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट ले लिया, मतलब वो अब नहीं मिलने वाला है। तो ये बता दिए, और हाँ बात रहा पेरेंट्स के साथ जाना है कि नहीं जाना है, पेरेंट्स के साथ जा सकते हो नहीं भी जा सकते हो वो आपके ऊपर है, फॉर्म अगर पेरेंट्स से जाओगे तो उसमें ज़्यादा ही भरना पड़ेगा, पेरेंट्स के साथ नहीं जाओगे तो कम ही भरना पड़ेगा। और बात रहा उसके बाद की क्या क्या डॉक्यूमेंट, तो मैंने बता दिया, फ़ोटो जरूरी से 8 ले लेना, फी रिसिप्ट वगैरह ले लेना तो दौड़ना नहीं पड़ेगा, और बस इतना ही। और अब फाइनली आपको लास्ट में देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जाएंगे एडमिशन सेल में, तो काउंसलिंग लाउंज के पास जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक नाम लिखना होगा, मतलब ऐसे ही नाम, वो बुलाएंगे या फिर नहीं बुलाएंगे तो आप आगे के काउंटर पे जाओगे, वहाँ एक फॉर्म मिलेगा, उसमें बस इतना भरना है 10-12 के सामने कौन सा बोर्ड था आपका वो भर लोगे, उसके बाद बस कुछ नहीं, उस पर साइन वाइन कुछ नहीं करना है, फिर उसको जमा करो, फिर रिसिप्ट दिखाओ, नेक्स्ट पे जाओगे तो आपसे सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। एक कोई भैया बैठ रहेंगे सीनियर, पता नहीं टीचर होते हैं या फिर सीनियर स्टूडेंट होते हैं, वो सारा देखेंगे वहाँ पे सारा कुछ, फिर वहाँ से अप्रूव करके भेजेंगे आपको, ऑडिटोरियम जाना है,
ऑडिटोरियम के पास एक फॉर्म मिलेगा, मेरे को तो वहीं पे मिल गया था काउंसलिंग लाउंज में, 4-5 पेज का, तो उसको पूरा भर लेना है। उसमें पेरेंट्स का, फिर से जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह किए थे उसमें भी भरे होंगे, तो अंडरटेकन पेरेंट्स ये सब लिया गया था ये जो भी, तो वो सब फिर से भरना होगा। उसमें पेरेंट्स के साथ जाओगे तो भी भरना पड़ेगा, नहीं भी जाओगे तो भी भरना पड़ेगा। उस पर एक फोटो लगेगा, साइन वाइन बस इतना करना है। ऑडिटोरियम से निकलोगे तो भेजा जाएगा 207 या फिर 208 ए में, तो आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ का भी वीडियो देख लो। वहाँ पे ऐसे कुछ लोग बैठे रहेंगे और वहाँ पे आपको क्या करना है नॉर्मली कि जब हम लोग 208 में गए थे तो एक फॉर्म लेना है, उसी फॉर्म में क्या रहेगा आपको, उसमें लोग जो गलती करते हैं वो बता देते क्या है, उसमें सारा आपको फोटो भरना रहेगा, डिटेल, आपका नंबर, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी में नॉर्मल ईमेल आईडी आपका जो है वो नहीं भरना है, उसमें ईमेल आईडी जो आपको स्टूडेंट लॉगिन किए होंगे तो उस पे आपके नाम के आगे या फिर सिस्टम आईडी उसके आगे करके बना के मिला होगा मेल, उसको भरना है। लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको दिखता है स्टूडेंट लॉगिन में, तो उसको भरना है। फिर वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट का वेरीफाई होगा, स्कैन होगा, उसके बाद ओटीपी आएगा फोन पे, वो ओटीपी दोगे, फिर वहाँ पे ओटीपी वेरीफाइड लिखेगा, फिर 208 या फिर 207 जो इसमें भी आप जाओगे, ये दोनों सेम ही रूम है एक तरीके से, दोनों में सेम ही काम होता है। फिर वहाँ से आपको भेजा जाएगा 107 या 108 में, फिर वहाँ पे जाके सेम बैठोगे, डायरी पे नाम लिखोगे, अपना नाम वाम सब कुछ लिख दोगे, तो फिर आपको वो नाम से बुलाया जाएगा, जैसे मेरा नाम है प्यूस्टर तो बुलाया जाएगा। फिर वहाँ पे आपका माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा, और वो 4-5 पेज वाला जो ऑडिटोरियम में फॉर्म मिला था उसको भरना है पूरा। जब वो भर लोगे तो वहाँ पे आपको फिर ऊपर स्टेज टाइप बना होगा, वहाँ पे भेजेंगे, वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे आपका सब कुछ जो आप लोग 207 में जो पेज मिला था उस पे दो था, एक ऑफिस के लिए एक स्टूडेंट के लिए, तो ऑफिस वाले वो रख लेंगे और जो स्टूडेंट वाला है वो आपका आईडी कार्ड हो जाएगा। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, मैं शारदा कहता देखो यार सेलिब्रिटी ये सब हीरो ये सब नहीं, हम भी आप लोग की तरह हैं और वीडियो बनाते हैं नॉर्मल से इंसान। बहुत सारे भाई ऐसे मिले जो कि अब यार जो लोग मिला तो वहाँ पे कैमरा उठा के शूट तो नहीं कर सकते ना, तो बहुत सारे भाई मिले जो कि बोले कि भाई आप यूज हो क्या, मैंने आपका वीडियो देखा है या फिर मैंने आपको वीडियो देखा है, वो पहचान नहीं रहे थे आपको, मैंने कहीं देखा है लगता है, तो वो सब यार बहुत अच्छा लगा। यार कोई नहीं, अब तो साथ ही में रहना है, अब शारदा के स्टूडेंट हो गए तो साथ में मिलकर चिल भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को बस इतना ही, अभी इसको जा रहे एडिट करेंगे, आप लोग देख रहे हैं मतलब अभी किए हैं और फैन ऑफ है, अभी बज रहा है 6, तो सुबह ब्रेकफास्ट भी मिस कर दिए थे, लंच भी नहीं कर पाए थे क्योंकि दोपहर में कॉलेज में ही थे, और अभी का स्नैक्स भी मिस हो गया, तो अब डिनर ही करेंगे, उससे पहले वीडियो एडिट कर लेते हैं। और बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और विवेक भाई के भी फ्रेंड से मिले, कुछ सीनियर से मिले, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इसके ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो से ना इस ईयर के ज़्यादा बच्चों को हेल्प नहीं मिलेगा, बट जो नेक्स्ट अगर वीडियो देख रहा है तो उसको हेल्प मिलेगा क्या क्या लेके जाना है। फिर से आप लोग को यहाँ पे दिखा देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है, और जरूरी है। पेरेंट्स लेके भी जा सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, 12 को ओरिएंटेशन है, और 12 को अब ओरिएंटेशन है, तो बस ओरिएंटेशन देखते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो कोई डिसाइड नहीं है, और जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट जाना चाहिए, ऐसे देखते हैं उस दिन के ऊपर। उसके बाद फिर भाई 23 का बहुत दिनों से इंतजार है कि कब क्लास खुलेगा, तो 23 को क्लास खुलता है, फिर शारदा में पढ़ाई करते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप सभी से मिलेंगे ओरिएंटेशन वाले ब्लॉग में। और मैं लखनऊ गया था तो ज़्यादा ब्लॉग एडिट नहीं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा गला ख़राब था, और कहीं घूम भी नहीं पाया, बस कार में घूमे पूरा लखनऊ का सारा रोड सड़क सब जान गए, मतलब 8 दिन वहाँ पर रहे हैं, एक दिन में 24 घंटा, तो 8 से गुना कर दीजिएगा आप लोग, उसमें 7 दिन का जितना भी घंटा होगा वो हटा दीजिएगा, उतना देर पूरे कार में रहे हैं बस, मतलब घर पे 8 दिन में 7 दिन गाड़ी में रहें और 1 ही दिन घर पे रहें, बट गला खराब था तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, तो उसके लिए कभी और चलेंगे एक्सप्लोर करने। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं ओरिएंटेशन वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लव यू रहेगा जो भाई लोग मिले, प्यार व्यार ऐसे ही बनाते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, धमकी नहीं है, रिक्वेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।